हेलो व्यूअर्स, दिस इज जुबैर। आप देख रहे हैं तिब फॉर यू। आज हम जिस जड़ी बूटी हर्ब्स अदविया की बात करेंगे, उसके फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं। यह है गुले बाबूना की आप पहचान कर लीजिए। छोटे छोटे फूल होते हैं इस तरह के। गुले बाबूना, कैमोमाइल भी कहते हैं इन्हें। कैमोमाइल के नाम से ज्यादा जाना जाता है गुले बाबूना। इसकी अगर पहचान की बात करें तो बाबूना एक बूटी है। इसके पत्ते छोटे छोटे रुएदार होते हैं। इसके फूल जर्द और सफ़ेद होते हैं। इसकी बू तेज और खुशगवार होती है। इसके फूल और जड़ बतौर दवा इस्तेमाल होती है। अब जानते हैं इसके नामों के बारे में। अरबी में इसको बाबून, सिंधी में बाबूना, हिंदी में मरही, अंग्रेज़ी में कैमोमाइल के नामों से ये जाना जाता है। अगर इसके बेनिफिट्स और इस्तेमाल की बात की जाए तो इसकी चाय और जोशांदा बहुत फेमस और फ़ायदे का हामिल है। बाबूना के फूल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल स्किन जिल्द के अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है। इसमें मौजूद हाइपोएलर्जिक स्किन जिल्द से फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करता है। सूखी ड्राई स्किन पर बाबूना का फूल जादुई असर करता है। ये एक्जिमा और सोराइसिस के अलावा जिल्द स्किन की जलन बर्निंग को भी दूर करता है। बाबूना का फूल स्किन को मॉइस्चराइजर करता है और स्किन को जवान रखता है। आँखों के नीचे जो डार्क सर्किल हो जाते हैं उनको ख़त्म करता है। कील मुहासों को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी किस्म की स्किन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पेस्ट से कुछ ही दिनों में स्किन के दाग धब्बे दूर हो जाया करते हैं। इसके इस्तेमाल से नींद बहुत अच्छी आती है। फीमेल्स में होने वाली मेंसेस पेन को कम करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से दिमाग और जिस्म को आराम महसूस होता है। बाबूना के फूलों का इस्तेमाल हाजमे की खराबी और गैस को ख़त्म करता है। इसका इस्तेमाल फीमेल ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में मदद करता है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। दिल को मजबूत करता है। वर्मों जो स्वेलिंग हो जाती है उनको ख़त्म करता है। मेदे स्टोमक को ताकत देता है। सीने के दर्द में बाबूना के तेल की मालिश करने से आराम आ जाता है। इसका जोशांदा सीने में जमे हुए बलगम को निकाल देता है। हेपेटाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाबूना की जड़ फूल से ज़्यादा कभी मानी जाती है। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, खासकर इसकी चाय के तो बहुत ही इस्तेमाल है। अगर इसके मुजर की बात करें तो हलक के लिए, थ्रोट के लिए ये नुकसानदेह है। अगर इसके मुसले की बात करें तो खालिस प्योर शहद इसका मुसले है। आसानी से मिलने वाली बूटी है, लेकिन फिर भी अगर इसकी बदल की बात की जाए तो ब्रंजासक, और वहीं इसके टेस्ट की अगर बात की जाए तो कसीला होता है। इसकी डोज मकदार खुराक 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी खास जड़ी बूटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।